स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th, बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है अबाउट फेक वेबसाइट। देखो जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है ना, फेक वेबसाइट जनरेट होनी शुरू हो जाती है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट आप जानते हो, करेक्ट? तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, रिजल्ट फॉर्मेशन में हालांकि अभी टाइम है, लेकिन होता क्या है कि फेक वेबसाइट पैसे जनरेट करने के लिए एक तो कॉपी बना लेती है। पहले भी हो चुका है कि सीबीएसई की कॉपी की हुई वेबसाइट दिखती सीबीएसई जैसी है, बट एक लेटर का फर्क होता है वेबसाइट के एड्रेस पर। तो बच्चे हड़बड़ा करके किसी भी वेबसाइट को क्लिक कर देते हैं। आप ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल वेबसाइट को ही क्लिक कीजिए, जहां पर देखो रिजल्ट के नाम पे बच्चे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मान लो बच्चे को दिखा दे रिजल्ट में आप फेल हो और पैसे मांगे जाए, तो बच्चे तैयार हो जाएंगे ना, पास करा दे तो पैसे दे दो, या फिर मार्क्स इंप्रूव, मान लो किसी का नंबर कम है आप इंप्रूव कराना चाहते हो तो उसके भी नंबर उसमें भी हो सकते हैं कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ। तो बच्चे ये नहीं करना है, ठीक है? आप अभी रिजल्ट आई भी नहीं है, मार्केट में ऐसी न्यूज फैलने लगी है, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं जाओगे, वहीं पर रिजल्ट दिखेगा, और आज नहीं दिखेगा, जब आएगा बहुत ही धूम धड़ाके से आएगा और अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ऐसे गुपचुप तरीके से रिजल्ट नहीं आता सीबीएसई का, एवरीवेयर मीडिया में हर जगह फैल जाएगी, और सीबीएसई के ऑफिशियल उसी दिन बता देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं ट्वेल्थ का रिजल्ट, फिर एक दिन बाद या दो दिन बाद ट्वेल्थ का भी आता है, और डिजी लॉकर पे भी आएगा। डिजी लॉकर एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप रजिस्टर जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखो जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं रिगार्डिंग योर टेंथ ट्वेल्थ मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एवरी सर्टिफिकेट विच यू आर हैविंग, इसकी ई कॉपी आपके पास हो जाएगी। ई कॉपी अगर होगी ना, आगे एडमिशन में बहुत फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम हार्ड कॉपी लेके जाते हैं तो कॉपी चोरी हो जाती है, कहीं गिर जाता है, गुम जाता है, तो वहां पर प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो डिजी लॉकर में आप रजिस्टर कर लें। अगर आपके पास आधार है तो आधार से लिंक कर दोगे तो बहुत से जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। तो या अगर नहीं भी है तो आप वहाँ पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या जो भी आपका सर्टिफिकेट, वहाँ पर आप अपलोड करके सेफली रख सकते हैं। तो डिजी लॉकर पे भी आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी आएगा, देयर सेवरल प्लेसेस जहाँ पे आएगा, बट आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही जाएं। अब ये समझ लो जहाँ भी पैसे मांगे जा रहे हैं वो गलत है, रिजल्ट देने के पैसे नहीं लगते, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करने का पैसा लग सकता है, वो भी सीबीएसई के वेबसाइट पर। तो हड़बड़ाकर कहीं पर भी ऐसे वेबसाइट्स को क्लिक मत कीजिएगा। सो दिस इज अ वार्निंग, ताकि आप अवेयर रहें। ऐसी चीजें होती रहती है हर एग्जाम में, जेई में हो चुका है, नीट में हो चुका है, सीबीएसई में होता रहता है। सो आप अवेयर रहें। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बेनिफिट्स मिलते रहें।